नमस्कार, मैं हूं अर्शी शमीम। पी3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2020 का बजट पास हुआ है, जिसमें कि झारखंड में ट्राइबल म्यूज़ियम बनने का बजट पास हुआ है। आइए यहां के लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। बताइए मैम। यस, जैसा कि बताया गया कि जो बजट पास हुआ है, मतलब जो प्रस्ताव आए हैं झारखंड में ट्राइबल म्यूज़ियम बनने के, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसा कि यहाँ पे मोराबादी में ऐसे तो ट्राइबल म्यूज़ियम हैं, लेकिन जैसे कि होता है कि और एक बड़ा म्यूज़ियम बनने का जो प्रस्ताव आया है, तो उसे काफ़ी जैसे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। जैसे यहाँ पे जो आजकल के यूथ है, वो तो हमारे कल्चर को नहीं जान रहे हैं। हमारे जो भी आदिवासी कल्चर है, हमारे झारखंड की जो परंपरा है, जो कल्चर है, उसे नहीं जान पा रहे हैं। तो अगर ये म्यूज़ियम आएगी तो लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर काफ़ी अवेयर होगा। आपको लगता है कि ये म्यूज़ियम आने से लोग झारखंड की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे और बड़े पैमाने पे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जितना हम लोग जो भी हमारे हिस्ट्री को ही देख के हम लोग जानते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ ये था, हमारे वहाँ वो था, तो वो चीज़ को जितना वो लोग देखेंगे, जानेंगे, तो जाहिर सी बात है, मतलब उनको इसका मतलब आइडिया होगा कि हाँ हमारी कल्चर ये है, हमारे ट्रेडिशन ये है, हमारे जो भी पूजा पाठ है, जो भी पर्व त्यौहार है, वो और मतलब नाम बताओ जान जाएंगे। मेरा नाम ओमी खलको। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2020 का बजट पास हुआ है, जिसमें कि झारखंड में ट्राइबल म्यूज़ियम बनने का बजट पास हुआ है, उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं? रियली आज मैंने न्यूज़ में देखा है इस तरह का। अगर हमारे स्टेट्स में लाइक म्यूज़ियम का बनने का प्रस्ताव अगर सच में लागू हुआ है, तो ये मेरे समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि जो आज के नए पीढ़ी के लोग हैं और आने वाले जो लोग हैं, जो नए जनरेशन के हैं, वो लाइक वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। तो अगर म्यूज़ियम बनती है तो लोग हमारे पुराने जो समाज थे, जो रीति रिवाज थी, संस्कृति, जो बोल सकते हैं कि संस्कृति, वो सीखने का मौका मिलेगा उनसे। हाँ हाँ, जुड़ पाएंगे लोग, जानेंगे कि हमारे पुराने पूर्वज थे जो किस तरह से लाइक उनका जीवन बिसर होता था। हाँ, उनका संस्कृति क्या थी, क्या हम लोग का ये रहन सहन था, वो हम लोग सीख पाएंगे। और बहुत अच्छी बात है कि लाइक हम लोग का इस तरह का सरकार ने, हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि जो भी ये सरकार म्यूज़ियम ला रही है वो अच्छी बात है, इससे लोग जो है संस्कृति से जुड़ पाएंगे, क्योंकि अभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुजीत रॉय। बहुत शुक्रिया सुजीत जी। सुजीत जी का कहना है कि ट्राइबल म्यूज़ियम आने से ये काफ़ी खुश हैं, लोग जो है अपनी संस्कृति को जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अपनी संस्कृति को जान पाएंगे, तो शायद वो अपनी संस्कृति की ओर झुकाव महसूस करें। और लोगों से बातें करते हैं। सर, आप जानते हैं कि अब ट्राइबल म्यूज़ियम बनने का बजट आया है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अपने हम लोग जैसे पुराने चीज़ को नहीं देख सकते, आज जो हमारे नई पीढ़ी है वो पुराने चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, और हम लोग घूमने के लिए भी जा सकते हैं, विजिट करेंगे वहाँ पर जाकर, मतलब एक दार्शनिक स्थल बन जाएगा। बहुत बन अच्छा। जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा हमारे देश के लिए और हमारे युवक के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। आपका कहना ये है कि युवाएं इसे अपनी संस्कृति को जान पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कि ये तो सब कह रहे हैं कि संस्कृति को जान पाएंगे। आपने एक बात कही कि दार्शनिक स्थल हो जाएगा, एक झारखंड के लिए एक धरोहर हो जाएगा। और इसके ये में क्या कहना चाहेंगे? और भी हम चाहते हैं कि और भी झारखंड इस तरह के और भी पूरा झारखंड में हमारा फैलते जाए। बहुत ही अच्छी, मतलब बात इस तरह के बजट जो है उससे आप खुश हैं, और ट्राइबल म्यूजियम के जैसे और भी कुछ खोली जाए यहाँ पे? जी, बहुत अच्छी बात। अबू साद हाशमी। हाशमी जी, बहुत अच्छी बात है। हाशमी जी ने बहुत अच्छी बात कही हमें कि एक ये जो दार्शनिक स्थल बन जाएगा झारखंड में, ये झारखंड की एक धरोहर बढ़ जाएगी। आगे और लोगों से बातें करते हैं।
2020 का बजट पास हुआ है आज झारखंड में और ट्राइबल म्यूजियम बनने के लिए, झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम बनने के लिए आज बजट पास किया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जैसे कि आज मैंने देखा कि झारखंड में आज जो बजट पास हुआ है ट्राइबल म्यूजियम के लिए, उसके लिए झारखंड में बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम होगी। इसे झारखंड वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, फ़ायदा इसे मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा आपको लगता है कि झारखंड वासी क्या सीख सकते हैं उससे, इतिहास के बारे में? जैसे कि वो इसमें जो भी ट्रैवल म्यूजियम जो बन रहे हैं उस इतिहास के बारे में झारखंड लोगों को और पता चलेगा, कहाँ क्या है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ की भी जानकारी उनको मिलेगी। जी, और आपको क्या लगता है ये एक तरह से झारखंड का धरोहर भी साबित होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो ज़रूर होगा, जिससे झारखंड में गौरव की बात होगी, एक दार्शनिक स्थल बढ़ेगा। हाँ जी, लोगों का यही कहना है कि दार्शनिक स्थल बढ़ेगा एक, और लोगों के लिए काफ़ी फायदे की साबित होगी क्योंकि इससे लोग अपने संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए P3 न्यूज़ के साथ बने रहिए। अपनी सहयोगी पूजा भारती के साथ मैं आशीष अमीन।